हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं भारती। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत से प्लांट की, जो कि सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये एक सकुलेंट प्लांट है, ठंडे इलाकों में ग्रो होने वाला लो ग्रोइंग प्लांट है। मतलब कि इसकी जो ग्रोथ है बहुत ही लो होती है, बहुत ही धीरे धीरे होती है। और ये जो प्लांट है मैंने कुछ ही दिन पहले ख़रीदा है नर्सरी से, और इसका नाम है सीडम मेजर। तो वैसे इसके बहुत सारे नाम हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो या गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो मैंने आपको एक सिंपल सा इजी सा नेम बताया है, जो कि मेरे लिए भी इजी रहेगा बताना और समझना, और सबको, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नाम जो है सकुलेंट्स के समझ में नहीं आते हैं, तो इसीलिए। तो बाकी जो इनके नाम है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर वीडियो में यहाँ पे जो है मेंशन कर दूंगी, ताकि आपको सर्च करने में भी इजी हो। वैसे तो अगर आप पिक गूगल पे स्कैन करके देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इस प्लांट के बारे में। सबसे पहले ये जो प्लांट है मैंने नर्सरी से लिया है, और ये मेरे पास ये लगभग एक हफ्ते से है, और इसकी मैं देखभाल कर रही हूँ और बहुत ही अच्छे से चल रहा है। आप देख सकते हो कुछ ही दिन पहले मैंने इसकी रीपॉटिंग भी की है, और अभी भी इसकी जो ग्रोथ है चल रही है कॉन्टीन्यूसली, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। तो इसका मतलब यही होता है आपकी जो रीपॉटिंग है वो सक्सेसफुल है। कई बार ऐसे होता है नर्सरी से प्लांट लाए गए, सडनली हम उनको कर देते हैं शिफ्ट दूसरी पॉट में, तो कई बार वो ड्राई भी हो जाते हैं। तो लकीली प्लांट चल पड़ा है, और जो ये जो प्लांट है हैंगिंग बास्केट के लिए स्पेशल है। अगर आप चूज़ करना चाहते हो कि किस पॉट में इसको लगाएं, तो सबसे बेस्ट है कि आप इसको किसी हैंगिंग बास्केट में लगाएं या किसी हैंगिंग पॉट में लगाएं। पॉट का जो साइज़ है वो जितना मर्जी हो, छोटा हो या चाहे बड़ा हो, अगर आप छोटे में भी लगाएंगे तो भी इसकी जो ग्रोथ है अच्छी होगी, बड़े में लगाएंगे तो भी इसकी ग्रोथ जो है अच्छी होगी, क्योंकि सकुलेंट्स जो है छोटे से पॉट में भी चल जाते हैं। और दूसरे नंबर पे ये है कि क्या इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, इसको आप बहुत ही इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसकी कटिंग को हम ग्रो कर सकते हैं, और इसके लीव से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, और आप इसकी कटिंग्स के भी इसको ग्रो कर सकते हो। और कटिंग के बाद बात आती है इसकी मिट्टी की, कि जब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं तो कौन सी मिट्टी में हम इसको लगाएं। तो सबसे पहले तो कोई भी प्लांट है तो उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है मिट्टी का अच्छा होना चाहिए, पॉट में होल होना चाहिए। तो उसके बाद बारी आती है धूप की, तो आप इसको किस तरह की सनलाइट दें, किस तरह के एरिया में रखें। तो 4 से 6 घंटे की धूप इसको चाहिए। चाहो तो आप इसको फुल सनलाइट में विंटर्स में रख सकते हो, लेकिन समर में थोड़े से ये डेलिकेट प्लांट होते हैं, तो गर्मियों की जो धूप होती है इनको जला देती है। तो अगर आप उस एरिया में रहते हो जहाँ पे कोल्ड वेदर रहता है, ठंडा मौसम रहता है, तो आप इसको 4 से 6 घंटे की धूप में आसानी से रख सकते हो। और उसके बाद बात आती है वाटरिंग की, तो मिट्टी का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो तो आप इसको एक दिन छोड़ के वाटरिंग जो है कर सकते हो, लेकिन अच्छा नहीं है तो आप इसको 2-3 दिन का गैप देके भी पानी डाल सकते हो। इसकी जो ग्रोथ है उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वाटर लविंग प्लांट है तो आप इसको पानी का जो है बैलेंस अच्छे से रखें, तो ये अच्छे से जो इसकी ग्रेस है वो बनी रहेगी। और तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है पॉट से लेके इसकी जो सनलाइट है या इसकी वाटरिंग है तब तक। तो अभी इसकी करते हैं कटिंग और बताते हैं कि किस तरह से हम इसको ग्रो कर सकते हैं, और बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक शार्प सीजर की हेल्प लें, जो आपको लगे कि कटिंग आपने करनी है तो वहाँ से आप इसकी जो एक ब्रांच है वो निकाल सकते हैं। जैसे कि मुझे लग रहा है कि ये जो ब्रांच है इतनी मतलब कि सुंदर नहीं है, तो आप इस की जो कटिंग है वो तैयार कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले 2 दिन या 1 दिन के लिए सुखा लें, जो अपना शेडी एरिया होता है वहां पे रख दें, और उसके बाद इसको मिट्टी में लगा दें, तो आपकी ये कटिंग जो है इजीली चल पड़ेगी। तो ये है सारा प्रोसेस इस प्लांट को ग्रो करने का। और अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, तो शेयर भी कर सकते हैं। और फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।